हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो वैसे आज मैं कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करने वाला हूँ। अगर आप इस टाइप का फोटो एडिट करना चाहते हो तो हमारे वीडियो में बने रहना और वीडियो को मिस मत करना गाइस। और चलते हैं वीडियो की तरफ और कुछ स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार्ट में, पिक्सार्ट करते हैं ऑन। तो पिक्सार्ट ऑन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद गाइस अपना ऑल फोटोज पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो अपनी फाइल में फ़ोटो होगा अपनी फाइल में चले जाना है। तो हमारा जो फोटो इस फाइल में है, इस फाइल में आने के बाद गाइस ये ली बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी फोटो को ऐड करनी है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में जानी है। अपनी फाइल में मतलब अपनी फाइल में आने के बाद गाइस आपको ये ली फोटो को ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फोटो ऐड करनी है यहाँ पे ऐसे। तो वैसे यहाँ मैं अपने फोटो को ऐड कर लेता हूँ। अब आपको सो क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ना प्लस का क्लिक यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में, अपने फाइल में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो बैकग्राउंड है, कहाँ गया भाई, एक मिनट गाइस मैं थोड़ा बैकग्राउंड ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये वाली जो है बैकग्राउंड में कुछ PNG है, तो यहाँ पर मैं करूँगा ऐड। ठीक है गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा और यहाँ पर कर लेंगे ऐड। और ये फोटो को थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर दूँ, बड़ा करके लगा दूंगा। और क्या करूँगा, यहाँ से कर देते हैं डन। और डन करने के बाद जैसे अगर आपको फिर से जाना ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में चले जानी है। अपनी फाइल में जाने के बाद ये वाली फोटो को फिर से ऐड कर लेनी है और इसको भी थोड़ा साइज को बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो बड़ा करने के बाद आपको फोटो को थोड़ा इसको इस तरीके का आपको यहाँ पे डाउन कर देनी है फोटो को, और जस्ट मतलब बॉडी के पार्ट आपको लगा देनी है कुछ इस तरीके से, ये कुछ शैडो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सैड वो बना लेता हूँ गाइस। और क्या करना है गाइस, आपको जो इस ऑपोसिटी को कम कर दीजिए थोड़ा। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो ऑपोसिटी कम करने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, मेरा बॉडी का सैड वो बन चुका है। और क्या करना है, यहाँ से कर लेंगे डन। और डन करने के बाद गाइस आपको फिर से आना ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपने फाइल में जाने के बाद आपको ये वाली हेयर स्टाइल ले लेनी है और यहाँ से कर लेनी है सेट। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेट गाइस। ठीक है, थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं और थोड़ा फोटो को जूम करेंगे, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर हेयर स्टाइल सेट करना होगा। यहाँ से कर लेते हैं सेट गाइस। और क्या करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको इरेजर फिर से क्लिक करना है। और क्या करना है, थोड़ा हार्डनेस को थोड़ा कम कर देना है और साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, और बाकी जो फालतू पार्ट दिख रहे हैं उसको इरेज कर लेंगे यहाँ से। तो गाइस देख सकते हो कि मैं इरेज कर रहा हूँ। तो वैसे हमारा जो हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपोसिटी को थोड़ा बढ़ाकर चेक कर लेंगे सही बैठा है कि नहीं बैठा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो हेयर स्टाइल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है, आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद अपनी फाइल में आ जानी है। और अपनी फाइल में आ जाने के बाद गाइस आपको ये वाली और ये वाली PNG को ऐड करनी है। ठीक है, तो ये PNG ऊपर कर देते हैं, और ये वाली PNG को मैं अपनी बॉडी में सेट करने वाला हूँ। तो करना है कि आपको फिर से ब्रांडिंग मोड में जाना है। ब्रांडिंग मोड में जाने के बाद यहाँ से कर लेनी स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं सेट, थोड़ा साइज को मैं बड़ा कर लूँगा। और क्या करना है, आपको इरेजर पे क्लिक करना है, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको फिर से इरेजर पे क्लिक करना है और थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेनी है, तो साइज को कर लेनी है छोटा, और फिर फोटो को जूम करेंगे और जितना आपको दिख रही है सब कट कर लेनी है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि मेरी बॉडी का पूरा राउंडिंग हुआ है, तो ऐसे आपको कट कर लेनी है कुछ इस तरीके से आपको कट करना। ठीक है गाइस, तो आप देखो मैं कैसे जैसे कट करता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से सेट कर लिए, तो वैसे आपको पता चल ही गया होगा कैसे कट करना और कैसे नहीं। और क्या करना है, आपको यहाँ से कर लेनी है डन। और डन करने के बाद गाइस आपको ये PNG पे क्लिक करनी है, और फिर से जाना है आपको ब्रांडिंग मोड में, और यहाँ से कर लेनी है स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है।
ठीक है, देख सकते हो गाइस कितने चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद जैसे करना है आपको, थोड़ा जाना है एडजस्ट में, ठीक है। तो एडजस्ट में जाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देनी है। तो सबसे लास्ट में आपको टेम पे आना है और यहाँ पे थोड़ा ब्लू टोन पे आपको कर देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं इरेजर पे क्लिक, और इरेजर पे क्लिक करने के बाद जैसे आपको करना है आपको यूली बटन पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद ब्रश पे क्लिक करना है, थोड़ा ऑपोसिटी हार्डनेस को कम कर देनी है और ऑपोसिटी को कम कर देनी है और साइज को छोटा कर देनी है। उसमें फोटो को जूम कर लेंगे और यहाँ पे फेस थोड़ा शैडो बनाएंगे। तो इरेजर पे सॉरी ब्रश पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेंगे और ऑपोसिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कुछ हार्डनेस को हल्का कम कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लू टोन मारना होगा ताकि जो वो आपको देख रहे हैं पृथ्वी टाइप कुछ है तो उनको वहाँ पे कुछ लाइट जल रहा है तो फेस कुछ लाइट यहाँ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इसलिए लग रहा है कि कुछ शैडो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ बॉडी पे मार देनी है। तो गाइस आप देख सकते हो कितने बेहतरीन लग रहा है कि मेरे फेस पे जो लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस आपको थोड़ा बढ़ाकर देख चेक कर लेनी है कि थोड़ा और सही करनी चाहिए, थोड़ा से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं डन। तो डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो सारा यहाँ पर सेट खत्म हो चुका है। और क्या करना है, कलर सेटिंग करना है। तो कलर सेटिंग करने के लिए क्या करना है आपको, जाना है लाइट रूम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से पहले अपने फोटो को सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ क्या करना है, आपको तीन डॉट पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेनी है और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। तो वैसे लाइटरूम, अगर आपके फ़ोन में लाइटरूम ऐप नहीं है तो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइस अपना जो फोटो को ऐड कर लेनी है अपने लाइटरूम के अंदर। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऐड। तो वैसे ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हो गाइस कि हमारा जो फोटो है लाइटरूम की तरफ ऐड हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं ऑन अपने फोटो को। यहाँ पे मेरे जो फोटो अपना जो है लाइट रूम ओपन हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा लाइट सेटिंग, ठीक है। तो इस लाइट पे क्लिक करना है और इस पर क्या करना है, थोड़ा हाईलाइट को आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो थोड़ा हाईलाइट को बढ़ा देनी है, ठीक है। और थोड़ा साइडों को क्या करना है, तो थोड़ा साइडों को आपको बढ़ा कर रख लेनी है, ठीक है। और उसके क्या करना, वाइट बैलेंस है तो वाइट बैलेंस आपको थोड़ा सा बढ़ा देनी है और ब्लैक को थोड़ा कम कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। और क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको मिक्स पे क्लिक करना है और थोड़ा यू को आपको कम कर देनी है, थोड़ा सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, लुमियंस को, तो लुमियंस को करना थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। तो वैसे देख सकते हो उसे क्या करना है, आपको ब्लू टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा यू को आपको कम कर देनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको कम करना है। उसे क्या करना है, थोड़ा सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। थोड़ा लुमियंस को आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। उसे क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है ऑरेंज पे और थोड़ा आपको लुमियंस को आपको बढ़ा देनी है। तो देख सकते हो गाइस हमारा जो फेस अच्छे तरीके से गोरा हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको, थोड़ा वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो फोटो में तो चमक आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सैचुरेशन को बढ़ा दिया और वाइब्रेंस को भी बढ़ा दिया, ठीक है। और क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा देनी है, ठीक है। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा वाइब्रेंस को कम कर देनी है, ठीक है। और उसे क्या करना है आपको, ये करने के बाद गाइस करना है, थोड़ा आपको इस पर जाना है और थोड़ा इसको थोड़ा वाइब्रेंस को कम कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सैचुरेशन को भी कम कर देनी है कुछ इस तरीके से। इस तरफ ज़्यादा हो गया इसी कारण से मैं कम किया, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा शार्पनेस को बढ़ा लेनी है। और शार्पनेस को बढ़ाने के बाद गाइस आपको इस पर क्लिक करके आपको फेस स्मूथ करने के लिए आपको नॉइस पे इसको बढ़ा देनी है, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं 43 और कलर नॉइस पे तो इसको बढ़ा देता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ 43 हो गया गाइस। तो गाइस हमारा जो फोटो है यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा जो फोटो था, तो गाइस आप देख सकते हो पिक्चर में जो फोटो था और देखो लाइट मारने के बाद, तो गाइस हमारा जो फोटो का जो है अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस आप इसको सेव करने के लिए क्या करना है, आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है और थोड़ा स्लाइड करना, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव कर लेनी है फोटो को। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।